ताजगी सदन के भीतर व्यक्त करते हैं। अब तो यहाँ तक आसन पर ही आरोप लगा दे रहे हैं लोग, क्या पक्षपात कर रहे हैं, मगर आसन का दायित्व सदस्यों को संरक्षण देने का होता है, सरकार को नहीं। सदस्य को संरक्षण दीजिए कि सरकार से वो सही बात को गलवा सकें, इसमें कोताही हो रही है। और मैं जब भी मिलता हूँ माननीय अध्यक्ष महोदय से, मैं ये कहता हूँ कि आपको अपने इस दायित्व का पालन करना चाहिए। सभी सदस्य, चाहे सत्ता पक्ष या विपक्ष के हैं, उनको आप संरक्षण दीजिए और मंत्रियों से सही बात उगलवाइए। मंत्री भाग रहे हैं, लिखित उत्तर, गलत उत्तर आते हैं, हमारा ये कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं हो रही है, ये दुर्भाग्य की स्थिति है इस राज्य में। माननीय सदस्य वीरेंची नारायण जी का एक सवाल था, मेरा भी एक सवाल था जो पीछे था, उत्तर सरकार सही नहीं दे पाई। अखबारों में भी छपा, कैबिनेट में निर्णय भी हुआ है कि सरकार जो लक्ष्य रखा है राजस्व वसूली का इस वर्ष 2500 करोड़ रुपया, उसी को घटा के 2000 करोड़ रुपया करना चाह रही है। मैंने पूछा, मंत्री ने कहा कि जानकारी नहीं है इसकी। और वीरेंची जी का सवाल, मेरा सवाल, बात एक ही आती है कि नीति कोई बने, अगर नीयत सही रहेगी तो नीति सही तरीके से लागू होगी, अगर नीति सही तरीके से लागू नहीं होती है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं नीयत में खोट है। अगर प्राइवेट से आप होलोग्राम छपवा लेते हैं, साहब आप जिनको आपने प्लेसमेंट एजेंसी से रखा है बहाल करके शराब दुकान चलाने का, उनको आपने आज तक महीना नहीं दिया, दुकान का किराया नहीं दिया, ये सब कटौती होगी तब तो और घट के आ जाएगी कम राजस्व की वसूली। तो इसका नतीजा है कि सभी शराब का ज़्यादा दाम ले रहे हैं, शराब में पानी मिला रहे हैं, और अब नीति बदलने का कोई अर्थ नहीं है क्योंकि राज्यपाल महोदय ने कहा और साफ साफ तौर पे फाइल में मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने लिखा। मेंबर ऑफ रेवेन्यू की बोर्ड अगर विभाग नहीं मानेगा तो ये सबसे बड़ी गलती विभाग की है। सर्वोच्च अधिकारी राजस्व परिषद के सदस्य होते हैं इस मामले में, इसलिए शराब के मामले में बिल्कुल सरकार की तरफ से जानबूझकर ऐसी स्थिति उत्पन्न की जा रही है कि राज्य में अराजकता की स्थिति पैदा हो। अब इससे किसको कितना नफा हो रहा है इसके बारे में कोई आंकड़ा हमारे पास नहीं है, मगर जब सही जवाब सदन में नहीं आ रहा है तो इसका मतलब कि कहीं न कहीं अनियमितता है, घपला है, घोटाला है। कि मंत्री से इसका स्पष्टीकरण दिलवाइए, सदन में आने और जो विधायक प्रश्न पूछते हैं उसके बारे में कुछ भी कह देने की मंत्रियों की परंपरा सी हो गई है। और ख़ास करके स्वास्थ्य विभाग तो लगता है कि सदन की बात नहीं सुनता है, मुख्यमंत्री के यहाँ से फाइल मांगी जाती है, फाइल नहीं देते हैं। तो ये तो पर्याप्त कारण है कि मुख्यमंत्री सामूहिक दायित्व का जो सिद्धांत है उसका उल्लंघन करने के कारण स्वास्थ्य मंत्री को अविलंब मंत्रिपरिषद से हटा दें। अब क्यों वो बर्दाश्त कर रहे हैं, आखिर मुख्यमंत्री की नहीं चलेगी, मुख्य सचिव मांगेंगे, संचिका नहीं आएगी स्वास्थ्य विभाग से, इससे गंभीर बात क्या हो सकती है। तो मैंने आज कहा खड़ा होके कि अध्यक्ष महोदय, ऐसा लगता है कि सरकार ने स्वास्थ्य विभाग को छूटा सांड करार दिया है कि राज्य भर में जहाँ मुंह मारना है, जहाँ चरना है, वहाँ चरते रहो। इसलिए मैंने जो सवाल उठाए हैं उनका उत्तर, सही उत्तर लेने की मैं पर्याप्त कोशिश करूँगा। जो भी विधि सम्मत कार्रवाई है मैं शो करूँगा। अभी मुझे सूचना मिली है कि आज जो मेरा सवाल था उसका जवाब मंत्री जी 21 तारीख को देना चाहते हैं, देंगे, उसका इंतजार कर रहे हैं, मगर जुलाई में जो मेरा सवाल था उसका उत्तर ना आज तक मिला है और न उसको देने की वो कोई बात कर रहे हैं। लगातार सर इस तरह की बातें आती रहती हैं बैठक में, आप लोग सर एक शराब नीति एक पे एक फ्री ऑफर जब चला दिल्ली में तो वहाँ के मंत्री जेल चले गए, यहाँ 6-6 महीने में दो दो बार पॉलिसी चेंज हुई, अभी एक साल में फिर चेंज होने की बात है, यहाँ की शराब नीति को हम कैसे देखें। क्या भुवन जी, हो गया मैंने, हो गया सर, पहले तुम अपनी बात कर लेना। आज मेरा एक सवाल था, अल्पसूचित प्रश्न विधानसभा में 6 नंबर पर था, मगर सरकार ने उसका उत्तर ही नहीं दिया। मैंने खड़ा होके अध्यक्ष महोदय से कहा कि मेरे प्रश्नों का उत्तर स्वास्थ्य विभाग नहीं दे रहा है। मैंने ही पूछा था
कि जब टेंडर करने के बाद सस्ते कीमत पर दवा का आदेश आपने दिया, उसको नहीं खरीदा और महंगे दर पर भारत सरकार की कंपनियों से खरीदा, इसके बारे सवाल था, इसका जवाब नहीं दिया इन्होंने। इसके पहले मानसून सत्र में जुलाई में मैंने प्रश्न पूछा था कि कोविड में जो देनी थी सहायता राशि लोगों को मिली कि नहीं मिली, आज तक उसका जवाब नहीं मिला। विधानसभा सचिवालय ने दो बार रिमाइंडर दिया है विभाग को कि सप्ताह भर के भीतर जवाब दीजिए, विभाग ने जवाब नहीं दिया है। तो मुझे लगता नहीं है कि ऐसे सवालों से स्वास्थ्य विभाग कतरा क्यों रहा है। कल जब मेरा ध्यान आकर्षण था उसमें 100% असत्य बात माननीय मंत्री ने कहा और मैं कहते रह गया विधानसभा अध्यक्ष से कि सही उत्तर दिलवाइए। उन्होंने कहा क्या कि जब मैं मंत्री था तब मैंने भी ट्रांसफ़र पोस्टिंग में इसी तरह की अनियमितता की थी। इसका मतलब क्यों मान रहे हैं कि उन्होंने अनियमितता किया है? यदि मैंने कोई अनियमितता किया तो आधार नहीं बनती है स्वास्थ्य मंत्री के लिए अनियमितता करने की। मैं आज पत्र भेज रहा हूँ स्पीकर को कि वे सारे दस्तावेज मंत्री महोदय को सदन के पटल पर रखने का आदेश दें जिसके आधार पर उन्होंने कहा था कि मैंने अपने कार्यकाल में ट्रांसफ़र पोस्टिंग में अनियमितता की है। मैंने कभी भी, जहां मेरा अधिकार नहीं है वहां बिना मुख्यमंत्री से अनुमोदन लिए कोई भी ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं किया है और इसलिए